हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 की वीडियो टेस्ट सीरीज में। आज का वीडियो टेस्ट सीरीज पार्ट 7 है। टेस्ट सीरीज पार्ट 6 मेरे द्वारा पहले ही अपलोड किया जा चुका है, उसके साथ उसका आंसर की वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने ये डिसाइड किया है कि जिस दिन मैं प्रश्नों को अपलोड करूँगा उसके साथ साथ मैं अंत में आंसर की भी आपको अपलोड कर दूंगा, जिसे आप इमेज या पीडीएफ फाइल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसे डाउनलोड करने में अगर आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो तो आप मुझे कमेंट लाइन पर लिखें। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा जो प्रश्न टेस्ट सीरीज़ में समाहित किए जा रहे हैं उनकी प्रकृति बहुत ही अच्छी है। वो नियर अबाउट यूपीपीसीएस के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको प्री ही नहीं आपके मेंस में भी बहुत सहायता करेंगे। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल अवेलेबल हैं जो आपको फ्री में टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि मेरे द्वारा जिन प्रश्नों को आपके सामने टेस्ट सीरीज़ में दिया जा रहा है उन प्रश्नों का नेचर बहुत ही अच्छा है, और या तो ये प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में आते रहे हैं या इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जिनको इनकी ज़रूरत है। चलिए फिर शुरू करते हैं। कल हमने बात की थी 50 प्रश्नों तक की, आज हम उसके आगे बात करेंगे। और फिर से मैं बता दूं आपको कि इसका आंसर की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आज ही। आगे बढ़ते हैं, 51 यानी 51वां प्रश्न देखते हैं। 51वां प्रश्न है आपका वनों के विकास तथा प्रकार को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ए है आपका मृदा प्रकार, बी है आपका जलवायु, सी है आपका भूमिगत जल, या डी है आपका मृदा उत्पादकता। अगला प्रश्न लेते हैं, भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। पहला 10 से 10 उत्तर दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 20 से 30 उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य, सॉरी 20 से 30 उत्तर उत्तरी अक्षांशों के मध्य, सी 30 से 45 अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में, यह चौथा ऑप्शन है आपका 60 से 65 अक्षांशों के मध्य। आप सही उत्तर का चयन करें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका कि विवाह को किस जनजाति द्वारा बापला कहा जाता है। विवाह को पहला संथाल, दूसरा गोंड, तीसरा थारू, चौथा भील। आगे बढ़ते हैं, रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन संबंधित हैं। ऑप्शन है आपका मंगोलियन प्रजाति से, कॉकेसाइड प्रजाति से, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है आपका ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से, और डी है निग्रेटो प्रजाति से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बार बार पूछा जाता रहता है, ध्यान से देखें कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालचारी, या के एम मुंशी। आगे बढ़ते हैं, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी, डी राजेंद्र प्रसाद। मैं इन प्रश्नों को इसलिए पढ़ता हूँ कि अगर आपको ये अस्पष्ट हो तो समझ में आ जाए, दूसरा आपको समय मिल जाए इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। अनुच्छेद 121, विकल्प है आपका ए, बी आपका 142, सी आपका 123, और डी आपका 124। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ये आपका प्रश्न है, विकल्प है आपका राज्यसभा का उपसभापति, विकल्प बी आपका भारत का महान्यायवादी, विकल्प सी आपका लोकसभा का अध्यक्ष, और डी आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? याद रखिए कौन सा एक सही नहीं है, इसमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ते। यहाँ पूछ रहा है कौन सा एक सही नहीं है। विकल्प है आपका, वह संसद का एक संगठक भाग है। विकल्प बी है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। विकल्प सी है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और विकल्प डी है आपका, कि वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। आप वीडियो को पॉज करके भी प्रश्न को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से प्रश्न डिस्कस कर लिए जाए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। विकल्प ए है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, सी आपका अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, और डी है आपका खुला बैठ प्रणाली द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 352, या ऑप्शन डी 360। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। विकल्प आपका 1 माह के अंदर, विकल्प है आपका 2 माह के अंदर, विकल्प सी आपका 6 माह के अंदर, और डी 1 वर्ष के अंदर। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? भारत के वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? 5 बार, 4 बार, 1 बार, या कभी भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी की, विकल्प एक, विकल्प बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, विकल्प सी एक राज्य के राज्यपाल की, विकल्प डी उपरोक्त सभी की। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। विकल्प ए है अपने निर्वाचन की तारीख से, विकल्प बी है संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, विकल्प सी है अपने पद ग्रहण करने के दिन से, और डी है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। अगला है आपका कथन, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये कथन है, और कारण क्या है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। सही कूट का प्रयोग करके आपको उत्तर देना है, कूट आपको ए और बी दिया है। आगे देखते हैं, आपके स्लाइड में सी और डी दिया है, जिसका उपयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? ध्यान रखें, स्थायी सदस्य कौन थे, पहले प्रश्न था स्थायी सदस्य कौन थे, अब प्रश्न है कि स्थायी सदस्य कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या एस राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है, यह आपका प्रश्न है। विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, विकल्प बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, विकल्प सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, और डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। भारत के संविधान निर्मातृ सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मातृ सभा के अध्यक्ष कौन थे, यह आपका अगला प्रश्न है। विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्री सी श्री अय्यर, और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? पहला स्वराज पार्टी, बी आपका कांग्रेस पार्टी, सी आपका मुस्लिम लीग ने, और डी आपका सर्वदलीय सम्मेलन ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? याद रखें विषय में नहीं है, पहला वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, दूसरा वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तीसरा वह बहुदलीय निकाय थी, और चौथा उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया गया। तो आपको विकल्प बताना है, नीचे दिए हैं 1, 2, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 4। आगे बढ़ते हैं, कथन है आपका कि वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या समान होती थी, और कारण है वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, ये कारण है,
और कथन था कि वेवल के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। तो सही फूड का प्रयोग करके आपको उत्तर देना है। फूड आपको ये दिए हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, टिक लगा रहा हूँ, देख सकते हैं। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। सही विकल्प बताएं क्या है, उत्तर क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को या 26 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है, ध्यान से उत्तर दें। 7 बार, 9 बार, 15 बार या 12 बार। अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग 1950 में बनाया गया, संवैधानिक निकाय है, सलाहकारी निकाय है, सरकारी विभाग है। सही कूट का प्रयोग करके आपको इसका उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, जरूर आप इस प्रश्न को देखें, बार बार देखें, अगर आपसे उत्तर गलत होता है तो इसका उत्तर अवश्य मैच करें कि इसका सही उत्तर क्या है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीट होता रहता है। पहला मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन संस्थान कहाँ अवस्थित है, शिमला, हैदराबाद, पटना या नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक योजना किसे निर्दिष्ट करती है, केंद्रीकृत योजना को, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी आपका विस्तृत लक्ष्य और कार्यनीतियां निर्धारित करना, ऑप्शन सी है विद्यमान संस्थाओं को बदलना या नई संस्थाओं का सृजन करना, और ऑप्शन डी है लचीले लक्ष्यों को निर्धारित करना। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। यहाँ पे आप मेल लगा लें, किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, और विकल्प आपका बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में चेन्नई बंदरगाह न्यास और पांडुचेरी सरकार के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, और इस समझौते में क्या शामिल नहीं है, ध्यान दें क्या शामिल नहीं है। पहला, चेन्नई बंदरगाह न्यास अपने निर्यात कार्यों के प्रबंध ना प्रबंधन में पांडुचेरी बंदरगाह की मदद करेगा। यहाँ पर ये प्रबंधन में पांडुचेरी बंदरगाह की मदद करेगा। बी, आपका समझौता ज्ञापन पर चेन्नई बंदरगाह न्यास के अध्यक्ष आर पांडुचेरी सरकार के अतिरिक्त सचिव ने हस्ताक्षर किए। सी, आपका अनुमान है कि इससे लगभग 5 से 10 लाख टन कार्गो का प्रबंधन होगा। और डी, आपका पांडुचेरी बंदरगाह के आंतरिक क्षेत्रों से कार्गो को समुद्री मार्ग के माध्यम से चेन्नई बंदरगाह भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, सॉरी, अगला प्रश्न है आपका लघु अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ए, औद्योगिक नीति निर्धारकों का व्यवहार, बी, रोजगार का कर, सी, राज्यों के, सॉरी, मूल्यों के सामान्य स्तर में परिवर्तन, और डी, सेवाओं एवं वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण। सही कूट का प्रयोग करके इसका उत्तर दें आप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, इस पे ध्यान दें। जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, मैं उनको डबल मार्क कर दूंगा या राउंड कर दूंगा, या मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रश्न को स्पेशली ज़्यादा वरीयता दें। विकल्प है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, बी, योजना आयोग द्वारा, सी, वित्त मंत्रालय द्वारा, और डी, उद्योग मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं, सकल घरेलू पूंजी निर्माण को परिभाषित किया गया है। ए, पूंजी स्टॉक की बढ़ोतरी या देखरेख के लिए समर्पित खर्च प्रभाव, बी, केवल भौतिक संपत्तियों पर किया गया खर्च, सी, मांग से बड़ा उत्पादन, डी, स्टॉक में पूंजी ह्रास घटाने के
बाद भी वृद्धि। अगला देखते हैं, बजट घाटे से तात्पर्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। राजस्व प्राप्तियों के ऊपर कुल खर्च जिसमें ऋण भी शामिल है, विकल्प ए बी राजस्व प्राप्तियों व राजस्व खर्च का अंतर, विकल्प बी, विकल्प सी आपका सभी प्राप्तियों व खर्च का अंतर, विकल्प डी वित्तीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर। अगला है, दो सूचियाँ दी हैं जिसे आपको सुमेलित करना है। पहली सूची है जूल, एम्पियर, वॉट, वोल्ट, कैलोरी, और दूसरी सूची है धारा, सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर, ऊष्मा। तो आपको इसे सुमेलित करना है, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ ताकि आप ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे भी आपको दो सूचियाँ दी गई हैं और सही कूट का प्रयोग करके आपको उन सूचियों का मिलान करना है। पहली सूची में मात्रा है, दूसरे में इकाई है। पहली सूची मात्रा की उच्च वेग, तरंग दैर, दाब, ऊर्जा, और दूसरी सूची मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल है। आप देख सकते हैं इनका सही मिलान करें। आगे बढ़ते हैं, अगली भी आपको दो सूचियाँ दी गई हैं और दोनों सूचियों का मिलान करना है। पहली सूची में आपका क्यूसेक, बाइट, रिक्टर बार, और दूसरी सूची में दाब, भूकंप की तीव्रता, प्रवाह की दर, कंप्यूटर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, छियासीवें प्रश्न का जो कूट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डॉप्शन इकाई का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है आपका कि डॉप्शन इकाई का प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प पृथ्वी की मोटाई मापने के लिए, हीरे की मोटाई मापने के लिए, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प वजन पद की मोटाई मापने के लिए, या डी शोर को मापने के लिए। अगला आपका पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं ये साइंस से, तो ध्यान दें इन प्रश्नों पर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, बहुत बार ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के, या घनत्व के। अगला प्रश्न आपका फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। विकल्प नाभिकीय ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, या पवन ऊर्जा से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका परमाणु रिएक्टर क्या है। ए परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब, यूरेनियम 238 का उत्सर्जक, या आणविक भट्टी, ये आपके विकल्प हैं। अगला प्रश्न है आपका नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, आपको अंतर बताना है नीचे विकल्पों का चयन करके। पहला, नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है। ऑप्शन बी है आपका, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन सी है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती। और ऑप्शन डी है, परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रियॉन, याद रखें कथन सही है पूछ रहा है। प्रियॉन लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। दूसरा, माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। तीसरा, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। और चौथा, रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जीव वैज्ञानिकों पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया गया, ठीक है, ढूंढ निकाला और पहचान किया जीव वैज्ञानिकों ने। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। विकल्प आपका ए कवकों की, बी पादपों की, सी कीटों की, और डी जीवाणुओं की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। बेमेल को ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ध्यान से दें इसका आंसर। ए नीलहरित शैवाल, बी कवक, सी अमीबा, डी युगलीना। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें से
इन युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? याद रखें, सुमेलित नहीं है। कभी कभी लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें से कौन सा सुमेलित है, उसे टिक करना है, मार्क करना है, लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़ें हमेशा। अनजाने में यही गलती आपसे हो जाती है और आप प्रश्न गलत करके आ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके ये सेलेक्ट ना होने का कारण बनता है। तो आपको क्या करना है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला एपिकल्चर, शहद की मक्खी, सेरीकल्चर, सिल्कवर्म, इसी कल्चर, लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर, फूल, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। अच्छा प्रश्न ये भी, मध्य प्रदेश पीसीएस में भी इसे पूछा गया। पहला आपका सिल्क, दूसरा आपका केंचुआ, तीसरा आपका शहद, चौथा है अंगूर। आगे बढ़ते हैं, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पहला जीवाश्म, जंतु जीवाश्म का, दूसरा शैवाल का, तीसरा फफूंदी का, चौथा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्राकैरियोटिक्स या यूकैरियोटिक्स में मुख्य अंतर क्या है? कोशिका कला का अनुपस्थित होना, विकल्प ए है बी राइबोसोम उपस्थित होना, सी केंद्र कला अनुपस्थित होना, या केंद्र कला उपस्थित होना। अगला और अंतिम प्रश्न है, द्विचक्राकार रचना डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया। अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान से देखें, लैमार्क तथा डार्विन ने, बी रॉबर्ट हुक तथा लुविन हॉक ने, सी आपका वॉटसन तथा क्रिक ने, डी आपका ह्यूटो डी ब्रिज ने। दोस्तों ये था टेस्ट सीरीज पार्ट 7। इसका आंसर की अब से कुछ देर में आपको मिल जाएगा, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं आपने कितने प्रश्नों को सही किया, गलत किया। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।